अरे महंगिया के बारे में क्या बताना, जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, हम भारतीय जनता पार्टी परिवार लोग हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और सब मानते जानते हैं कि क्यों उनका नाम कुलमणि बराल का क्यों हत्या हुआ, सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो घोटाला हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई। उससे पहले विकास जेना, उनका भी हत्या हुआ, वो भी वहाँ महंगिया से ही है, और उनका भी हत्या हुआ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले पर उन्होंने भी आवाज़ उठाई। यानी कि कोई भी अगर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाएंगे तो उनको हत्या किया जा रहा है यहाँ उड़ीसा में, ये लोग देख रहे हैं और समझ भी रही है। हम गए थे उनके घर, तो वहाँ उनके बेटे ने कहा कि आज शाम को सभी का हत्या हो रहा है, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो दिन दिहाड़े सबका हत्या होते जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं उड़ीसा में। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं लोगों को कि एक बार वो देखे और ये सब बातें समझे। नमस्कार। नहीं, जिस तरह से यहाँ, जैसे मैं पहले बोली थी, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे ही बच्चों का तस्करण जो हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है, और सीआरबी क्राइम ब्रांच रिपोर्ट, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उसमें से ये कहा गया कि केवल 14% बच्चों को ही मिल पा रहे, वो लेके आ रहे वापस। यानी कि इतने बड़े पैमाने में बच्चों का अपहरण हो रहा है, और हम यही मांग करते हैं कि इसको सीबीआई को देना। हम सिट पे विश्वास नहीं करते क्योंकि लीगल पावर्स होती ही नहीं उसको, इसलिए इसको सीबीआई को ही देना, और जो वहाँ का मंत्री है अरुण साहू उनको मंत्रिमंडल से निकाल देना बस।